हाँ वही पे यही खड़े हो भाई, यही पीछे भाई जी, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, बस 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 यही खड़े मैम यहाँ पे। कैसे हो आप सर? बस बढ़िया, आप ही का वेट कर रहे थे। सॉरी ट्रैफिक बहुत है ना मैम, यार समझ सकते हो, समझ सकते हो मैडम। महिमा जी, काफ़ी चर्चा हो रही है कि नवंबर से शुरुआत हो रही है नए प्रोजेक्ट की, धर्मा प्रोजेक्ट की, एंड उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जब सही टाइम होगा आप सबको खुद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सो आई एम इक्वली एक्साइटेड एज एवरीबडी आउट हियर, एंड या दैट्स अबाउट इट। पर महिमा जी, ये रूमर्स के पीछे कितनी सच्चाई है कुछ तो बता। आई डोंट नो। एंड धर्मा प्रोजेक्ट आता है तो करण सर के साथ, आई मीन हु डजंट लव यू नो करण जौहर प्रोजेक्ट, एंड स्पेशली ब्रह्मास्त्र को देखकर आई एम एस्टोनिश्ड, बिकॉज आई मीन व्हाट अ फिल्म, व्हाट एन अटेम्प्ट, एंड व्हाट एन अमेजिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई एम एनीवे एन आलिया भट्ट फैन, सो हु वुडंट लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ धर्मा प्रोजेक्ट, सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। एंड लास्ट सवाल पूछूंगा, बॉयकॉट बॉलीवुड के हैशटैग्स पे धर्मा फिल्म इतना अच्छा कमा रही है कि सी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ द कंटेंट इज गुड देन इट हैज टू वर्क, एंड आई फील इट्स द ऑडियंस, अभी सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन, अभी पता नहीं चलता व्हाट रियली वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, सो या थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय बाय।